हबीब मिल्लत है। के हबीबियों की निशानी हबीब मिल्लत है। हबीबियों की निशानी हबीब मिल्लत है। हबीब रहे के सानी हबीब मिल्लत है। हबीब रहे माँ के सानी। असल में पढ़ते पढ़ते इस लहजे को मैंने पढ़ा है ना, इसको भी मैंने अभी ये कोई लहजा दिया नहीं था, ऐसे पढ़ दिया। एक शेर सुनाता हूँ, सुन ले आप। हबीब रहे माँ के सानी हबीब मिल्लत है। और गुजारिश आपको बता दूं, गले पे अभी बहुत ज्यादा जोर देने के लिए नहीं कहा गया है, गले पे ज्यादा जोर मत देना, हल्के अंदाज में पढ़ना। मगर आप इतने दीवानगी दिखाते हैं, आप ऐसे बाहर हो। एक शेर और समाप्त कर ले, सुनिएगा। हबीब मिल्लत है के जफा के बदले वफा देना उनकी है। जफा के बदले वफा देना उनकी आदत है। अरे मोहब्बतों की कहानी, मोहब्बतों की कहानी हबीब मिल्लत है। मोहब्बतों की कहानी हबीब मिल्लत है। हबीब रहे माँ के सानी हबीब मिल्लत है। काफिये का इस्तेमाल उसके बाद हमें मिल्लत है, तो चाहूंगा सुनेगा। के गुनाहगार को इस से पाक कर देंगे, गुनाहगार को इस से पाक कर देंगे। हबीबी हौज का पानी हबीब मिल्लत है। हबीबी हौज का पानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्ला, हुजूर हबीबे मिल्ला। बहुत अच्छा हबीबी हौस का पानी। अभी मैं क्लास करने का तो बहुत मन कर रहा है,
कि क्लास का सबसे ज्यादा, लेकिन एक महीना और सब्र करें, मैं कोशिश करूंगा कि वही पुराना रंग क्लासिकल अंदाज में जो मुझसे आप सुनते हैं वो जमजम वाला नहीं। आप दुआ करें कि फिर से वो रंग महफिल रंगे रज़ा से चले जाए, इंशाल्लाह जरूर चलेगा, है ना। तो अब मैं और ज्यादा नहीं, हालांकि इतनी देर पढ़ने की का वादा नहीं हुआ था, कुर्बान भाई मौजूद है, इतनी देर पढ़ने का वादा नहीं हुआ था, मैंने पढ़ दिया, ये मोहब्बत की बात थी। और माशाल्लाह मैंने देखा सरफराज भाई का जितना खूबसूरत घर है उससे ज्यादा खूबसूरत उनका दिल है। अल्लाह करे कि ये ऐसे ही रहे और अल्लाह ताला इन्हें यही नर्म दिली के साथ रखे। नाम अजहरी मंजिल है, बहुत अच्छा है, नाम भी अजहरी मंजिल है, है ना। खुश रहिए, सलामत रहिए, हमारी दुआ है बस ये है कि अपने अंदर कभी अना मत आने देना, अना करना होगा, अना मतलब मैं कभी नहीं, बस कोई भी आज कहना मेरा गरीब खाना ही नहीं, मेरा गरीब खाना है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का करम है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का ये सदका अल्लाह ने दिया है, बस ये नहीं कि मैं ये, इंशाल्लाह ऐसे कई मकान बनाएंगे, दिल को सुथरा साफ रखना है। अल्लाह आपकी कमाई में, आपके रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और धाम नगर के जितने भी बाशिंदगान हैं अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अल्लाह ताला धाम नगर शरीफ के लोगों को बीमारियों से महफूज रखे, अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला वाजिला फरमाए। यहाँ के कब्रिस्तान में जितने भी लेटे हुए हैं अल्लाह ताला आज के इस जलसे के सदके उन सबों की मगफिरत फरमाए। आमीन आमीन। सरफराज भाई, कुर्बान भाई, इन लोगों के हवाले से इनकी फरमाइश थी तो ज्यादा नहीं, दो तीन शेर अल हबीब के ताब घर के लिए जरा दुआ कर दें जरा। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी मेहनत करते हैं, अकेले मेहनत करते हैं रात भर, अल्हम्दुलिल्लाह फोन भी करते हैं, अल्लाह इन्हें भी खुश रखे। अल हबीब अल हबीब किताब घर, अल्लाह करे कि पूरी दुनिया में छा जाए, कहें आमीन। अच्छी बात है, नाम भी इतना खूबसूरत है, अल हबीब सरकार मुजाहिदी मिल्लत से निस्बत से रखा है इन्होंने, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मुसाफिर आदमी हूँ, हालांकि गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर इतना जानता हूँ कि मुसाफिर आदमी हूँ, सरकार की नात पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अपने महबूब को कबूल फरमा ले, आमीन। आपको लंबा उम्र दे। अब मैं ज्यादा नहीं, दो तीन शेर और पढ़ता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो 3 तारीख को फिर मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, उर्स सैयद शाहजहां मालूम है, चीन को फिर मुलाकात होगी, वहाँ भी इंशाल्लाह नया कलाम ही सुनाऊंगा, सरकार मुजाहिदीन मिल्लत के नई की नई मंतबत नया कलाम इंशाल्लाह वहाँ सुनाऊंगा आपको। अभी फरमाइश के मुताबिक कुछ शेर सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सुनाया जाएगा।